भ्रूण हत्या के मामले में लगातार इजाफे से न्यायालय के आदेश पर जिले के सभी शासकीय अस्पतालों में एक्टिव ट्रेकर लगाया गया है। इस एक्टिव ट्रेकर मशीन को सोनोग्राफी मशीन से जोड़ा गया है, जिसमें सोनोग्राफी कराने आई गर्भवती महिला का नाम, पता, पति का नाम और माता पिता सहित पूरा ब्यौरा दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा इस मशीन में गर्भवती महिला के प्रसव से लेकर बच्चों के जन्म की जानकारी भी दर्ज की जाएगी। इसका मुख्य जो एम है, जो भ्रूण हत्या है उसको रोकना। तो क्या है, जनरली जो सोनोग्राफी करते थे वो डॉक्टर जो रजिस्टर गायब कर देते थे, जैसे नामे एंट्री नहीं रहता था, बाद में मुकर जाते थे कि हमारे यहाँ हुए नहीं है। अब ये पकड़ में आ जाएगा कि इनके यहाँ ये जाँच हुआ है, अब भूल यदि जाँच कर रहा है या फिर गड़बड़ सड़बड़ कुछ कर रहा है, पूरा रिकॉर्ड इसमें आ जाएगा। यही नहीं बल्कि शासकीय अस्पतालों के अलावा यह मशीन जिले के सभी निजी अस्पतालों में भी लगाई जाएगी, जिससे भ्रूण हत्या पर पूर्ण अंकुश लग पाएगा। अभी क्या है, शासकीय जिला अस्पताल में लगा है, जितना भी मुंगेली वगैरह है, जांजगीर, सब जगह। प्राइवेट वालों को नोटिस दिया गया है कि वो 30,000 और 35,000 जमा करें, इसका जो कीमत है कंपनी रेट लेता है, वो जमा करेंगे तो उसके यहाँ पे लगना शुरू हो जाएगा। लिहाजा एक्टिव ट्रेकर मशीन में दर्ज किए गए सभी रिकॉर्ड कलेक्ट्रेट में बनाए गए हेड ऑफिस में जमा किया जाएगा, जिसके लिए शासन की ओर से अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है। सिटी न्यूज़ के लिए भुवनेश्वर बंजारे के साथ मनोज पाल की रिपोर्ट।